कौन है भाई, आगे बढ़ाओ जरा। अरे सर कब से हॉर्न बजा रहा, साइड ही नहीं दे रहा। मारो फिर से एक बार हॉर्न। ओफो, तो आप हो आ? हमें पता ही नहीं था कि तुम चला रहे हो। नहीं ड्राइवर से पो पो करके हॉर्न थोड़ी बजवाते, सीधा ठुकवा ही देते। शेर का शिकार चूहों की फौज से नहीं किया जाता। आपका हाथ जोड़े तुम लोग के, जाओ बे। मार ही डालोगे। रुद्र प्रताप सिंह चौहान, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हमको दो बार अंदर किया, हुआ कुछ नहीं, हम ऐसे चुटकी में बाहर आ गए। और एक चीज बताएं, इस बार भी चांस नहीं नजर आ रहा। वो देखो आ गए तुम्हारे बाप लोग। एक गोली एक दुश्मन, दो गज का फासला और दो गज समी। फाइट लॉस्ट। सलाम साहब। सर 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 आते ही अर्थक्वेक सर, हाफ सेंचुरी बनानी है सर। मतलब मेरे को भी बुला लेते सर, काफी टाइम हो गया पटाखे चटाके किए हुए। उन ब्रदर इन लॉज को मैं भी मार देता सर। ब्रदर इन लॉज उन सालों को सर। ठीक है, अगली दिवाली के लिए तैयार रहना, और उसके बाद मिठाई खाने के लिए भी। मिठाई सर? यानी कि तुम्हारी एसपी मैडम अभी बुलाए उन्होंने मिठाई खाने के लिए। या कमन। ऑफिसर, गोली मारने के अलावा और भी कई तरीके होते हैं पुलिस के काम करने के। एक पुलिस वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत जरूरी होता है, और खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि पूरे स्टेट की नजर तुम पर रहती है।
और क्या जरूरत पड़ गई थी पंडारी को गोली मारने की? कैन यू टेल मी व्हाई? चूहो को मारने के लिए नगर पालिका की परमिशन नहीं लगती। गेट आउट, आउट। I'm sorry. I'm sorry. रुद्र, ऑफिस में मैं बॉस हूं पर घर में तुम बॉस हो ना? Sorry. मैं जानती हूं मैं वहां थोड़ा रूड थी ना, पर तुम ये भी जानते हो रुद्र कि मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी। सिर्फ गोली चलाना ही सोल्यूशन नहीं होता है ना? ऐसे लोग होते हैं ना, गोलियों की भाषा ही समझते हैं। पर ऐसा लगता है कि उन गोलियों की आवाज में मेरा रुद्र कहीं खो गया है। की तलाशी लो, यहां से एक भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए। यस मैम। यहां के स्टाफ से भी जाकर इंक्वायरी करो। हम पूरी रात यहीं थे सर, बस थोड़ी देर के लिए खाना खाने के लिए गए थे। वार्डन मैडम हमसे खुद ही बोली थी कि तिवारी जी आप खाना खा के आओ, और इसके अलावा हमको साहब कुछ नहीं मालूम साहब। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैम। आखिरी बार आपकी बात अपनी बेटी से कब हुई थी? कल शाम 7 बजे मेरी बेटी का फोन आया था। बड़े खुश लग रही थी वो। मुझे नहीं लगता मेरी बेटी ऐसा कर सकती है, वो सुसाइड नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस को जो एविडेंस मिल रहे हैं उससे ये क्लियर है कि लड़कियों ने सुसाइड किया है। बस सवाल ये उठता है कि लड़कियों ने सुसाइड किया क्यों? मैडम हमारी बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती मैडम, नहीं कर सकती मैडम। देखिए अभी आप लोग जा सकते हैं। जी मैडम। लेकिन मौका पड़ने पर जांच के सिलसिले में पुलिस आपको किसी भी वक्त बुला सकती है। हनी। नो मैडम शुगर,
हनी सिंह जी 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 मैडम इनके स्टेटमेंट्स ले लो प्लीज जी मैडम कम फॉलो आफ्टर मी जी सर प्रदेश के शिक्षा मंत्री होने के नाते कॉलेज में हुई घटना के बारे में आपका क्या कहना है देखिए हमने मुख्यमंत्री साहब को आपका ज्ञापन दे दिया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि एसपी अदिति सिंह के नेतृत्व में जो जांच चल रही है ना उसे वो जल्दी पूरा कराएंगे जो सरकार लड़कियों को उनके हॉस्टल में ही सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती है उनको सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है कोई अधिकार नहीं है लेकिन मेरी मीडिया से विनती है कि उस मामले को तूल देकर राय का पहाड़ ना बनाए और मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए हमको मीटिंग में जाना है बाकी मीटिंग के बाद चलो चलो ये बात मैं खुलेआम सबके सामने कह रहा हूँ कि स्त्री का सम्मान है तो राष्ट्र का सम्मान है और इस घटना की निष्पक्ष जांच बहुत ही जरूरी है बहुत ही जरूरी मैडम जी रिपोर्ट्स मैडम जी कमरे विच फोर डेड बॉडीज मिलिंग बट ओथे फाइव ब्लड सैंपल्स पाइंग और जी फिफ्थ ब्लड सैंपल वार्डन दा नॉट क्या तुम्हें विश्वास है कि पांचवा ब्लड सैंपल वार्डन का नहीं है विश्वास और मैडम जी बिलीव योर दास हनी सिंह साइंटिफिकली जवाब गिविंग मैडम जी स्मॉल माउथ बिग टॉकिंग मैडम जी सुसाइड मिस्ट्री गोल चक्कर लाइक जलेबी जलेबी टेढ़ी एंड टेस्टी बैठिए कोई है सर महिला विद्यापीठ में हुई घटना और शहर में बिगड़ते व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है महिला विद्यापीठ हमारे प्रदेश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है गर्व है हमारे प्रदेश को इस संस्थान पे यहां जो कुछ भी हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं इस बात की पूरी जांच की जाएगी कि आखिर उन तीन लड़कियों ने आत्महत्या क्यों की हम कानून व्यवस्था और सुशासन पर भरोसा रखते हैं इसलिए तो जनता का प्यार पिछले 15 सालों से मिल रहा है हमको लेकिन उन सैकड़ों वारदातों का क्या जो पिछले कुछ सालों से सरेआम इस प्रदेश में हो रही हैं अपहरण हत्या बलात्कार व्यवसायियों और उद्योगपतियों का पलायन क्या इस अवस्था में जनता का विश्वास प्राप्त कर पाएंगे आप ए, बस बहुत भाषण दे दिया आपने आप मीडिया वालों को जैसे जनता की चिंता है हमको तो कोई चिंता है नहीं साजिश नहीं करना हम गरीबों के पीड़ितों के और शोषितों के नेता हैं अगर आज जैसे लोग ही जनता के हमदर्द होते तो हम पिछले 3 बार से चुनाव ना ही जीत रहे होते कहा समझी हालांकि आप बकवास कर रही हैं लेकिन फिर भी आप बताइए चलिए हमें क्या करना चाहिए आपकी खुशी के लिए हम वही कर देते हैं सर जाबाज पुलिस ऑफिसर रुद्र प्रताप सिंह चौहान जनता की मांग है कि आप उन्हें स्टेट क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स वापस ले लें बुला लिया जाबाज पुलिस वालों की हम बहुत इज्जत करते हैं लेकिन ईमानदारी के नाम पर बेगुनाह गरीब लोगों को सताना उन्हें झूठे केस में फंसा देना जाति के आधार पर लोगों को क्रिमिनल ठहरा देना सिर्फ मेडल और तालियों के लिए काम करना यह गलत है हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता को कोई पुलिस वाला परेशान ना करे बस एपीए डीजीपी साहब को कहिए रुद्र प्रताप सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से क्राइम ब्रांच में वापस लाया जाए आर्डर बस आशीर्वाद अदिति वो आत्महत्या वाला केस
वो आत्महत्या नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि सुसाइड के प्राइम एविडेंस खुद सुसाइड के खिलाफ जाते हैं। 4 डेड बॉडीज में 5 ब्लड सैंपल्स। इट हैज टू बी अ केस ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। रुद्र, आई थिंक आई नीड योर हेल्प। मगर तुम्हें पता है ना मेरे काम करने का तरीका क्या है? तुम मुझसे पूछोगे? देखो रुद्र, तुम्हें अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा फॉर मी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फिर से ट्रांसफर हो। आई मीन पहले बैंगलोर, फिर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और अब यहां। प्लीज मेरे लिए। तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। इन तीनों में से किसी एक की भी हैंडराइटिंग नहीं है। इस कमरे से पुलिस ने जितना भी सामान बरामद किया है मैं देखना चाहता हूं। सर, तुम्हें बैग निकालो। ये रहा सर। जब मुझे सिम कार्ड के सारे डिटेल्स चाहिए। कॉल लॉग, लास्ट कॉल, ओके? और बैंक जाकर पता करो कि 5 लाख रुपए का पेन स्लिप किसके नाम पे है। There has to be a catch to this। कॉलेज हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां रहती हैं, मुझे इन सबके डिटेल्स चाहिए। पंचानवे, छियानवे, सत्तानवे, अंठानवे। हेलो साहब, फोन लग गया। गुड आफ्टरनून सर। मुद्दा थोड़ा गंभीर है इसलिए हम खुद ही फोन कर दिए। लड़कियों का सुसाइड केस जिसका आप जांच कर रही हैं, जरा जल्दी किसी नतीजे तक पहुंची है? सर, पुलिस अपने काम में लगी हुई है। आई अश्योर यू पुलिस जल्दी ही किसी नतीजे तक पहुंच जाएगी। आप जैसे पुलिस अधिकारी से हम ऐसे ही उम्मीद रखते हैं जी। और इस बात का ख्याल रखिए कि विपक्ष का लोग इस दुर्घटना को हमारे खिलाफ कोई मुद्दा ना बना पाए। यस सर। जरा समझा के रखिए अपने डिपार्टमेंट के शक्तिमान को। गोलीबारी कम करें और कानून की हद में रह के काम करें। सर कितनी करोड़ मैनेजर? यस मैम। ओके, एसपी अदिति सिंह। ओके, इस सिम कार्ड की डिटेल्स चाहिए। श्योर मैडम, प्लीज कम इन। थैंक यू। आइए प्लीज। चलो सर, ये चेक अकाउंट नंबर किसका है? ये सिम कार्ड किसी कंचन देवी के नाम पे है। एड्रेस? महिला विद्यापीठ छात्रावास, रोड नंबर 12। मुझे कॉल डिटेल्स चाहिए। सर, ये किसी रमेश दुबे के नाम पे है सर। गुड, एड्रेस? सीनियर हूँ। इनको ही बताइए सब, आप ही पूछे सर। सीनियर हैं, लगते नहीं है लेकिन फिर भी। नहीं नहीं, बताइए इनको, बताइए। सर एड्रेस प्लीज। मैडम, सबसे ज्यादा कॉल 9719433772 से है और ये किसी रमेश दुबे के नाम पर है। लास्ट कॉल? लास्ट कॉल मैडम 8123022115 और ये किसी कंचन देवी के नाम पर है। ओ रुक रुक, गर्ल्स स्टॉप। एक्सक्यूज मी मैडम, आई वांट टू नो एड्रेस, सेक्टर 12 272, वेयर? हाँ, सीधा जाके लेफ्ट ले लीजिए। थैंक यू। अब चलें? चलो। हाँ, लेफ्ट।
हेलो, हाँ रुद्र, अच्छा दो इम्पोर्टेंट नंबर से लिख लेना। यही है सर, 12/272। अब मुझे देख। वाँ 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 वाँ, रमेश दुबे घर में है क्या? सर यहाँ कोई रमेश दुबे नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते? अच्छा यहाँ नहीं रहते भाई। अरे सर बैंक ने यही एड्रेस दिया है, 12/2। पूछिए ठीक से। आप पूछ रहा हूँ यार। हाँ। कितने सालों से रहती है? सर 10 साल हो गए। अच्छा दुलारे रुक जा। फेक आइडेंटिटी, फेक एड्रेस, फेक एवरीथिंग सर। अच्छा काम करो, तुम बैंक वापस जाओ। अगेन बैंक सर? हनी सिंह जी कुछ प्रॉब्लम है? नो 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 सर। गुड, जाओ वहां पे। यस सर, गोइंग सर। साला बैंक पे बैंक। डिटेल्स आर नॉट अप टू डेट। कोई बात। लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ था सर? वो वेडनेसडे को शाम को 6:30 बजे सुंदरनगर एटीएम से कुछ पैसे निकाले गए थे सर। वेडनेसडे शाम? वेडनेसडे 6:30? उसी दिन मर्डर हुआ था? यस सर। खैर मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। सॉरी सर, एक्चुअली वो मैंने कहा मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है अभी। क्या ये फुटेज है? जी सर। स्लो करो। ये 6:30 बजे? यस सर। पॉज करना, मुझे इस आदमी की तस्वीर चाहिए। सर ये तो ठेकेदार पांडे पांडे लगता है। हाँ लग तो वही रहा है। तुम जानते हो इसे? हाँ जी हाँ जी, ये नेता लोगों का बहुत बड़ा वो स्पून चम्मच चमचा है। अरे शंकर जी। जा प्रणाम। हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे कहाँ गायब रहते हो दिन भर? काहे काओ? जरा देखो पुलिस वाली पांडे को कहाँ है थाना लेकर गई है। जी। पता करो का मामला है और पलट के हमको फोन करो। ठीक है। हाँ लेकर आऊं उसे। बाबा बहुत बढ़िया। रमेश दुबे नाम का डेबिट कार्ड तुम्हारे पास कहां से आया? रमेश दुबे? कौन रमेश दुबे? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ। रमेश दुबे तुम्हारा कौन लगता है जो उसके डेबिट कार्ड से तुम पैसे निकाल रहे थे? मैडम पैसे कार्ड का कह रही हैं आप? हमारे पास 2 कार्ड है, एक वो वोटर कार्ड और एक लाइसेंस। नहीं कहिए तो खोल के दिखाएं हम है? और वो पिछले महीने गवर्नमेंट की स्कीम में आधार कार्ड भी अप्लाई किए हैं हम, फोटो कॉपी दे जाएंगे उसके थाने में। एसपी मैडम को प्रणाम। कहाँ भिजवा रहे पांडे जी मैडम को? बबलू भैया, मंटू भैया, अरे तुम तो एकदम चौचका दिए हमको। भैया जी जमानत करवा दिए, चलिए अब। बराबर से देखिएगा मैडम, साइन वन सब बराबर है ना। चलो चलो पांडे जी चलो, आगे दीजिए। चलिए कहा पांडे जी? अरे सुने की पुलिस उठा के ले गई थी आपको है? अरे शंकर भैया उस नई लड़की को कहा पता कि हमारी पहुंच कितनी ऊपर तक है? फिर भी उठ गए। अब शंकर भैया पार्टी के मेन कार्यकर्ता तो आप ही हैं, अब भला आपसे ऊपर यहाँ कोई हो नहीं सकता क्यों भैया? ये सब क्या चल रहा है दीदी? किस तरह के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हो तुम? गर्ल्स हॉस्टल का। देखो ऐसा कुछ मत करना जिससे पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब हो। नहीं सर। और एक सुसाइड के केस को फाइल में बंद ही करना है बस, फिर इतनी मेहनत क्यों? लेकिन सर ये जो एक लेडी एसपी होने के नाते गृह मंत्रालय की आप पर अपार कृपा है, ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हें दया का पात्र बनना पड़ जाए। सुसाइड का ओपन एंड शट केस है, रिपोर्ट जल्दी मेरी टेबल तक पहुंचा दीजिए। शर्लक होम्स बनने का भी मौका मिलेगा आपको, अभी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। चाहिए सर। समझ नहीं आता किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। एक केस जो कि श्योर शॉट मर्डर केस है, दिन रात एक करके एक आदमी तक पहुंचे और कोर्ट उसे जमानत दे देती है। अरे ट्रेनिंग में ही बता देती कि पुलिस मतलब गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और क्रिमिनल्स का बुरा मत करो।
अदिति, इस डिपार्टमेंट का यही कल्चर है और यही सिस्टम। हमें सिस्टम में रहना पड़ता है, खुद ही सिस्टम से लड़ना पड़ता है, और इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा डिपार्टमेंट हमें खुद सिखा देता है। क्या लड़ूं? डीजीपी साहब ने खुद बुलाकर बोला है, अदिति, दिस इज एन ओपन एंड शट केस ऑफ सुसाइड, बस रिपोर्ट बना दो। अरे फिलहाल तुम एक काम करो, एक सुसाइड रिपोर्ट की फाइल डीजीपी के टेबल तक पहुंचा दो। पहुंचाना ही पड़ेगा। यू नो व्हाट, इट्स ओवर। इट्स नॉट ओवर, इट्स जस्ट बिगन। हाँ रुद्र, अच्छा दो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, लिख लेना। जो नंबर तुमने मुझे दिया था वो नंबर किसी लड़की का है, किसी आरोग्य धाम हॉस्पिटल में एडमिट है। ये लड़की मुझे बेहोशी की हालत में मिली, इसके सर पर काफी चोट आई थी और इसी की जेब में ये मोबाइल मिला मुझे। अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। गुड अदिति, मालूम नहीं मगर ऐसा लग रहा है कि यही हमारा आखिरी रास्ता है। इसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ और अब तुम। मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे बीच में ही रहे, और हाँ अगर हो सके तो तुम्हारे दो तीन खास लोग वही हॉस्पिटल के बाहर रखो सिक्योरिटी के तौर पे, तो अच्छा रहेगा। तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। जैसा कि हम पहले भी कहे थे कि इस पूरे मुद्दे की प्रशासन निष्पक्ष जांच करवाएगा, और वो ही हुआ। पूरी जांच होने के पश्चात पुलिस डिपार्टमेंट ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी उसके मुताबिक वो एक आत्महत्या थी। विपक्ष ने इस पूरे मामले को जो तूल दिया और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। थैंक यू। प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते इस शहर की कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए हमने रुद्र प्रताप जैसे काबिल और होनहार अफसर को हैंड्स फ्री दे दिया है। सर, हैंड्स फ्री नहीं, फ्री हैंड। अरे ये कई बात है, हैंड्स फ्री और फ्री हैंड। अब लेकिन इसका श्रेय हम नहीं लेंगे, इसके लिए तो रुद्र प्रताप बधाई का पात्र है। रुद्र प्रताप ही बधाई का पात्र है। जय हिंद, आशीर्वाद। सर मैं शाम को घर आके कहूंगा। हेलो, अरे नमस्कार रुद्र बाबू, हम बोल रहे हैं परमानंद त्रिपाठी। जी जी नमस्कार, मायसेल्फ एसआई दुलारे। एसआई दुलारे? हाँ वो। अरे ये रुद्र बाबू का नंबर है ना? जी जी। अरे तो आपने कैसे फोन उठा लिया भाई? हाँ? आप दूसरे का फोन कैसे रखते हैं? आपको किसने दिया ये? नहीं, अधिकार किसने दिया आपको? बात करवाई हमारी। एक मिनट एक मिनट सर, अपने वो अपोजिशन लीडर है त्रिपाठी जी, उनका फोन। मैं फोन करता हूँ। क्यों? हाँ बोलिए। अरे कहा बोले, अरे दूसरे को क्यों दे देते हैं फोन आप? देखिए रुद्र बाबू, शहर में अमन चैन रखने के लिए आपने जो तत्परता दिखाई है। तत्परता? अरे क्या होता है जी सर? तत्परता। हाँ हाँ वही तत्परता दिखाई है। देखिए वो बधाई के काबिल है, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम आपको बधाई दे रहे हैं और आप मुरझा के बात कर रहे हैं। देखिए रुद्र बाबू, हम ब्रह्मानंद त्रिपाठी और हमारी जो भी, उस वक्त आपके कदम पीछे नहीं हटने जी, तभी आपके बच्चों को हम पूरा इंसाफ दिला पाएंगे। हम सब लोगों का पूरा सपोर्ट है आपको। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इस बार हमारा कार्यकाल बहुत सुशासित रहा है, आप लोग भी बहुत मेहनत किए तो वोट तो जरूर मिलेगा। आप लोग पार्टी को मजबूत बना के रखिए और चारा मशीन का नारा बुलंद रखिए। फंडे का कोई टेंशन नहीं है, सबकी तिजोरी भरेगी, सबकी पॉकेट गर्म होगी, चिंता नहीं करना। अच्छा अभी जल्दी है, रैली का मीटिंग भी है, कल हम इसी टाइम में फिर मिलेंगे। आशीर्वाद। चल चल चल, जल्दी से लाओ, कौन कौन सा फाइल साइन करना है। सर एक बार पढ़ लीजिए। काहे? तुम काहे नहीं पढ़े? धनबाद से आईएएस का डिग्री फर्जी बनवाए हो क्या? करवाएं? सीबीआई इंक्वायरी पढ़ने के लिए कहता है। ठीक है बुलाते हैं, जा। दे प्रणाम। कार्य मनोज, वो कॉलेज वाला कांड हुआ था ना, वो अपना क्राइम ब्रांच वाला रुद्र प्रताप है ना, वो लौंडिया उसको मिल गई। अच्छा, आरोग्य धाम अस्पताल में रखवाया, और अंदर का बात यह है कि विपक्ष का त्रिपाठी उसको टोटल समर्थन कर रहा है।
हेलो सर, लड़की का ब्लड आपके दिए गए ब्लड सैंपल से मैच हो गया है। मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। सर। सब खैरियत? सर यहाँ पे तो सब ठीक है, पर वो जो आदमी खड़ा है वो सुबह से यहाँ के चक्कर लगा रहा है। बोल किसने भेजा तेरे को? बोल। शंकर भैया। शंकर कहाँ मिलेगा तेरा ये शंकर भैया? हाँ बोल। तेरी गली 25। उसे देखो। उसका नाम शंकर है, सीएम का चेला है सारा। कुछ होना हो उसका इन्वॉल्वमेंट इस केस से जरूर है। और मुझे ऐसा लगता है कि पांडे की जमानत भी उसी ने ही करवाई थी, और उसी दिन के बाद से पांडे भी लापता है। लेकिन बिना किसी ठोस एविडेंस के कुछ कर भी तो नहीं सकते। अदिति ये क्राइम के साथ कबड्डी खेलने जैसा है, जितना एंजॉय करोगी उतना खेलोगी। लेकिन कबड्डी के इस खेल में कोई ना कोई तो सामने से दम जरूर तोड़ेगा। आइए आइए दीदी पिसवा, कहिए क्या हाल चाल है कानून व्यवस्था के? सब ठीक चल रहा है सर। हाँ
अरे डीजीपी साहब। सर बांधी ना, देख कर रहे। अरे चलते चलते हम गिर जाते तो सरकार ने गिर जाती, फिर मीडिया लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाते सरकार गिर गई। अच्छा लगता है आपको? नहीं ना, बांध देंगे तो नौकरी बची रहेगी। अरे शर्माइए मत, एसपी भी आ रही है आपकी। ये हुई ना बात, कितना किया है थोड़ा चमका भी दीजिए। निकालिए रुमाल, निकालिए निकालिए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, वेरी गुड डीजीपी साहब, आशीर्वाद। आज का ब्रेकिंग न्यूज देखा कि नहीं? नो सर। ये देखिए लोकतंत्र का कड़वा सच, ये वही विधान भवन है जहाँ ये शर्मनाक घटना हुई। एक डीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर एक सीएम के जूते का फीता बांध रहे हैं। डीजीपी ने फीता बांध दिया तो का गजब हो गया कोई? अरे अरे का फीता है क्या? और हम बिल्कुल नहीं चाह, कैसी कोई दुर्घटना आपके साथ घटे। मैं तो सिर्फ जाँच करना चाह रही थी। जब तक गांधी जी के तीन बंदर बनकर रहोगी जिंदा रहोगी, और जिस दिन अपने प्रेस बैच का शेर बनना चाहोगी कोई शिकार करके चला जाएगा। बच्ची हाओ इसीलिए समझा रहे हैं। चलती हूँ सर। अरे आदिति, क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना गुस्सा क्यों? छोड़ो ना। दुलारे। जय हिंद सर। जय हिंद। ये फाइल मैम को देनी थी सर। सिन्हा साहब ने कहा था अर्जेंट है तो। ओके राइट, गुड नाइट। गुड नाइट। दुलारे तुम्हारे कुछ फाइल्स दे गया है, रख दो ना प्लीज। क्या हुआ, कुछ बोलोगी? आज सीएम ने बुलाया था, वहीं से आ रही हूँ। क्या बोला सीएम जी ने? वो क्या बोलेगा, करप्ट साला, मुझे धमकी दे रहा था। धमकी? कैसी धमकी? उसे पता चल गया है रुद्र कि हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जान से मारने की धमकी दी है उसने। सर का घर पहुंचना है।
भैया भौंकता बहुत है और भौंकने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता। तुझे क्या लगा मेरे घर में घुस के तू मुझे मारेगा? हाँ तेरी मौत का तो मुहूर्त निकालूंगा। हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं कि ये कैसा रावण राज आ गया है? कितना शर्म की बात है कि एक डीजीपी से मुख्यमंत्री साहब जूते का फीता बंधवा रहे हैं। एक आईपीएस ऑफिसर के घर पे हमला हो जाता है, क्या होगा इस राज्य का बताइए? दिन दहाड़े पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है। हम तो कहते हैं कि प्रसादी लाल जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है और हम उनके रैली का पुरजोर विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। त्रिपाठी जी जिंदाबाद, 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 त्रिपाठी जी जिंदाबाद। कहाँ जा रही हो? हेडक्वार्टर जा रही हूँ, आज सीएम की रैली है। सुना व्हाट? हनुमंत और अंजना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इट्स ओके रुद्र, सब ठीक हो जाएगा। आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। ओके, शाम को मिलते हैं। अदिति। हाँ? मैं अगर चाहता तो आज उसे मार देता। किसे? शंकर को। रुद्र, मैं सीएम के घर गया था। तुम पागल हो गए। अगर मैंने ऐसा किया नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसे मार नहीं सकता, इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम नाराज हो जाती। मैं चलता हूं। हेलो। हाँ सर, बोलिए। सर लड़की को होश आ गया है। ऑल दैट्स गुड, आप उसका ख्याल रखिए, मैं आता हूं। जी। अदिति, उस लड़की को होश आ गया, मुझे निकलना होगा। गुड, ओके, कुछ भी होगा मुझे अपडेट करते रहना। आई विल।
देखिए डरी मत, अब आप सेफ हैं, मेरे घर में हैं। मेरा नाम रुद्र है, मैं एक पुलिस वाला हूं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस दिन आपके साथ हुआ क्या? मुख्यमंत्री का काफिला इस रास्ते से होता हुआ शास्त्री नगर पहुंचेगा। मिस्टर मिश्रा, शास्त्री नगर का एरिया आप संभालिए। यस मैम। और फिर टर्न लेकर काफिला इंदिरा नगर पहुंचेगा। इंस्पेक्टर उपाध्याय, इंदिरा नगर का एरिया आप संभालेंगे। मेरा नाम पूजा है और मैं गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन कंचन देवी की बेटी हूँ। आइए। क्या हुआ उस दिन? ये सब हमारे कॉलेज के एनुअल डे फंक्शन से शुरू हुआ। हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कॉलेज के 50th एनुअल फंक्शन में पधारे हैं और इसके लिए मैं उनके तहदिल से आभारी हूँ और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ आए और बच्चों को आशीर्वाद दें। बड़ी खुशी हो रही है आज आप सब बच्चों को देख के। जिस तरीके से आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हम इन सभी महिलाओं को हैट्स ऑफ करते हैं। महिला विद्यापीठ के छात्र नेता संजू, वाह आह वाह वाह, बहुत ही होनहार छात्र है। इसकी महत्वाकांक्षा की, इसके टैलेंट की हम हृदय से प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। डर गए ना? आपसे भला कैसे डर सकती हूँ? अच्छा। बस यही जान निकल जाती है। सच्ची सच्ची। क्या इस सबसे पहले एक तो बात कहें? यही टाइम मिला था ना बात करने के लिए। अच्छा छोड़िए, नहीं कहते। अच्छा चलो बोलो। हम कह रहे थे कि हमको भी एक ठो टिकट दिलवा देते। अभी एक सीढ़ी चढ़ी, डायरेक्ट कुर्सी की डिमांड। अब नहीं, हम तो बस टिकट ही तो मांग रहे हैं। मजाक है क्या? देखिए, हम जब भी आपसे टिकट मांगते हैं ना, आप हमको यूं ही टहला देते हैं। आप हमको जब भी बुलाते हैं, जहाँ बुलाते हैं, हम तो चले आते हैं, कोई सवाल नहीं पूछते। आप भी हमारा ये एक काम करवा दीजिए ना। अब देखो, हम टहला तो जनता को भी देते हैं, क्या करें, आदत है हमारी। अब देखो शंकर, हमारा साला है, टिकट मांग रहे नहीं देते, जब होगा तो दे देंगे। और तुम्हें बुलाते हैं तो बदले में भरपूर पैसा देते हैं कि नहीं? सो तो है, पर कहा है कि सब कुछ पैसा से ही थोड़ी होता है। तो कैसे होता है? थोड़ा फ्यूचर का भी तो सोचना पड़ता है। अच्छा तो ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में सोचें फिर। एक दिन मैं संजू, कविता और रूपाली के साथ उनके रूम में बैठी थी।
क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? मुझे भी देखना है। पूजा देखने दो। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मतलब क्या? क्योंकि तुम अभी छोटी हो। कोई छोटी वोटी नहीं हो, मुझे सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है? पूजा प्लीज। अच्छा अभी देखने दे बेटा, समझ में तो तुझे तब आएगी जब तुम्हारे साथ रहेगी। सुनो, तुम सबकी शिकायत है ना, मैं मम्मी से लगाऊंगी तभी तुम्हें समझ में आएगी। अरे मम्मी से? ओ क्या बात है। हाँ माँ। पूजा बेटी कहाँ हो तुम? संजू के रूम में हूँ। अभी तक हॉस्टल में क्या कर रही हो? बेटा मेरे साथ खाना नहीं खाना? क्या खाना आ जाएगा अभी? क्या कर रही हो तुम? हाँ आ रही हूँ, दो मिनट। अरे कब से तुम दो मिनट? हेलो हेलो, काट दिया। जब देखो ये लड़की दोस्त दोस्त। और मैडम जी, साला हॉस्टल का बंद हो गया, आप तो फोन उठाना बंद कर दिया है। कितना फोन किए, फोन काहे नहीं उठा रही है? दो चार को गिन के आइटम बचा है, अरे चखवा दीजिए मुख्यमंत्री जी को। कितना चखेंगे आप संजू को? अब उसका छुट्टी होने वाला है, उसको जाने दीजिए। अरे संजू तो सड़ चुकी है। बड़ा नया खुशबू है भाई। देखिए सबके बारे में हम कल ऑफिस में बात करेंगे, अभी फिलहाल आप चले जाइए। ये तो वही लौंडिया है ना, फंक्शन वाली। बड़ी खूबसूरत है भाई, जब से देखे पगला आ गया है मुख्यमंत्री जी। लाओ दिखाओ। अरे बड़े हैं, आशीर्वाद मिलेगा। नहीं शंकर, शंकर ये मेरी बेटी है, इसको छोड़ दे। नथ वो उतारेंगे ना तो जिंदगी बन जाएगी। जा जाके अपने जीजा से कह के अपना जरा फीलिंग को कंट्रोल में रखे। उसका सारा रंगीन तस्वीर जो है संजू के पास, बहुत संभाल कर रखा है उसने। घोषणा पत्र में छापने के लिए हमको टाइम नहीं लगेगा, समझा? दो मिनट में हम तुम्हारा जीजा का पिछवाड़े से कुर्सी खिसका सकते हैं, समझा? अब तो निकल जाते, चल बाहर निकल, चल। शंकर यादव नाम है हमारा, इस प्रांत के सीएम प्रसादी लाल यादव के साले हैं हम, और तू साली हमारा जीजा जी के पिछवाड़े से कुर्सी खींचेगी? संजू, 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 शंकर ने मेरी माँ को मार डाला। मार डाला? शंकर, शंकर माँ को बोल रहा था कि तेरा और सीएम का कोई चक्कर चल रहा है। चक्कर चल रहा है क्या? बोला चक्कर चल रहा है तेरा? हाँ, वो माँ को बोल रहा था कि तेरे पास कोई फोटोज है। कहाँ है फोटोज? कहाँ है वो फोटोज और वीडियोस? बता कहाँ है वो फोटोज? और संजू सुना कि बहुत फोटोग्राफी चल रहा है, अरे चार पांच तो फोटो हमारा भी निकालो। ये देखो देखो देखो, देखो निकालो, देखो खींचो खींचो। अरे तुमको तो जिज्जा जी से टिकट चाहिए था ना। पर भैया अब तो टिकट की स्थिति भारी विकट हो गई है। शंकर, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। उस दिन जब मैं गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकली, मैं बाहर आते ही बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। क्या तुम बयान दे पाओगी? जी सर। तुम किसी वीडियो, एमएमएस और फोटोज के बारे में बात कर रही थी। सर उस दिन जब मैं संजू के कमरे में गई थी ना सर, और मैंने उसे फोटोज के बारे में पूछा, कौन से फोटोज और वीडियोस हैं, तो उसने एक लॉकेट अपनी टी शर्ट के अंदर छुपा दिया। लॉकेट? ये लॉकेट से क्या लेना देना है? पता नहीं सर, बट उसकी एक आदत थी,
वो अपनी सारी फोटोज और वीडियोस अपने पेन ड्राइव में रखती थी। उसका उसका लॉकेट ही उसका पेन ड्राइव है सर। आई एम श्योर सर। हेलो मैम, यहाँ पे लोगों का जनसैलाब काफी बढ़ गया है। एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, एक्स्ट्रा फोर्स मंगा चुके हैं और मैं भी थोड़ी ही देर में पहुंच जाऊंगी। ओके। थोड़ी देर बाद आपके प्रिय नेताजी आपके समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। उनके आने तक कृपया शांति बनाए रखें। समूह में इस वक्त कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि आपके ये प्रिय नेताजी की रैली सफल ना हो। और कौन है? बाहर निकलो, बाहर निकलो। और जिस दिन अपने पुलिस बैच का शेर बनना चाहोगी कोई शिकार करके चला जाएगा। रुद्रा, यहां कैसे? आओ अंदर आओ। मैं रिजाइन कर रहा हूं। देखो रुद्र, अदिति की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम पुलिस फोर्स से रिजाइन कर दो। पूरी जिंदगी उसने कानून के हद में रहकर काम किया और मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने उसकी बात मान ली। पर अब मैं जो करने जा रहा हूं वो वर्दी पहन के नहीं कर सकता। एक पुलिस अफसर खुद कानून तोड़ेगा? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मजबूर हैं।
इतने मजबूर कि एक नेता के जूते के फीते बांधने पड़ते हैं आपको। मेरे लीडर, चलता हूं। रुक जाओ, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अगर मैं अब रुक गया तो उन सालों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अधर्मस्य विनाश करने पापम न भवति, इसका मतलब जानते हैं आप लोग? अधर्म का विनाश करना पाप नहीं होता। कब तक हम अपनी नौकरी बचाने के लिए इन नेताओं को अपनी वर्दी बेचते रहेंगे और इनके जूते साफ करते रहेंगे? कब तक? यह वर्दी जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, यह नेता इस वर्दी की बेइज्जती कर रहे हैं। रुद्र प्रताप सिंह चौहान, तुम जो ठीक समझो वो तुम करो। तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ है। एसपी अदिति सिंह की शहादत जाया नहीं जाएगी। स्वागत कीजिए इनका। ए, क्या रे? साले को
अदिति तो वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर तुझे छोड़ दिया तो कल कोई और रुद्र अफसोस करेगा। मैंने तुझसे कहा था कि तेरी मौत का तुम मुहूर्त निकलेगा, आज दशहरा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डीजीपी एक काहे का रावण है, है? 10 सर लग गए एक सीता को उठाने, और यहाँ हम साला एक सर से पूरे प्रांत को सीता बना बैठे हैं।
का माहौल है प्रांत का। सुन, तेरे जैसा दो टके का पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं उखाड़ सकता हमरा। सीएम है हम इस प्रांत के, प्रसादी लाल नाम है हमरा। हमरे सारे पे लोगों की सांसें बनती बिगड़ती हैं। अपनी पत्नी का हस्र भूल गया, हम नहीं मारेंगे तुझे। ये पब्लिक पटक पटक कर मारेगी तुझे। बहुत प्यार करती है ये पब्लिक हमें। राजा है हम यहाँ के, प्रसादी लाल नाम है हमरा। मुख्यमंत्री साहब, और कुछ बोलेंगे नहीं, दीजिए दीजिए भाषण दीजिए, पर अब बोलने की बारी हमारी है। जिस जनता के बारे में आप बात कर रहे थे ना, वो जनता हम हैं। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे घुस के चूजे साफ करें। हम जनता के नौकर हैं। देख देख देख, तेरी जनता तेरे बारे में क्या कह रही है। देख, कभी कभी देश और कानून के हित के लिए उसके विरुद्ध जाकर भी कुछ करना पड़ता है, और अगर आज मैं खड़ा नहीं हुआ तो फैसला कभी नहीं होगा, और आज फैसला होकर रहेगा। चल उठ। क्या कहा था तूने? हाँ।